मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीन ऐसे फंड्स बताऊंगा जिसमें आप अपनी SWE प्लान की शुरुआत करते हैं तो उसके अंदर आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस और काफी अच्छा रिटर्न्स फ्यूचर में हमें देखने को मिल सकता है। मैं आपको वही फंड आपको बताऊंगा, वही फंड को मैं आपको सजेशन करूंगा जो फंड आज से कुछ दिनों पहले, यानी कि हम ये कहें अभी तो साल 2024 चल रहा है, मैं बात करूं अगर साल 2023 की, जो फंड साल 2023 के अंदर या फिर उससे पहले जो फंड अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मैं उसी फंड को आपको सजेशन करने वाला हूं। और एक फंड मैं आपको सजेशन नहीं करने वाला, बल्कि मैं तीन फंड आपको मैं सजेशन करने वाला हूं। और तीनों ही फंड अलग-अलग बैंक के होने वाले हैं। एक होने वाला है ICICI बैंक का, एक होने वाला है हमारा SBI बैंक का, और एक होने वाला है हमारा HDFC बैंक का। तो आप इन तीनों फंड्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिए। आजकल लोग SIP करने से ज्यादा लोग SWE प्लान की तरफ जाना पसंद करते हैं। SIP तो हर महीने आपको देना पड़ता है, लेकिन SWP प्लान में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको हर महीने पैसे मिलते हैं। एक होता है SIP और एक होता है लमसम। SIP आप करते हैं हर महीने एक छोटा छोटा अमाउंट जोड़ कर आप एक बड़ा पैसा बनाते हैं। एक होता है लमसम जिसमें आप अपने पैसे को वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं वो एक सिंपल लमसम है। लेकिन एक होता है SWP लमसम, यानी कि आप एक बार तो अपने पैसे को लमसम करेंगे, एक बार मोटा पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन आप उसमें से हर महीने कुछ कुछ पैसा को निकालते रहेंगे, जिससे आपकी जो मंथली जो खर्च है, जो आपके भी जरूरत की चीज है, वो सभी चीज पूरा होती है। तो इसी चीज को देखने के लिए, इसी चीज को देखते हुए मैं आज के इस वीडियो में तीन ऐसे जबरदस्त फंड लेकर आया हूं जिसके पास परफॉर्मेंस काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा कि यहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इतना का रिटर्न आपको मिलता है तो आप कितना यहां से विथड्रॉ कर सकते हैं और लास्ट में आपको फाइनल वैल्यू क्या देखने को मिलेगा। तो सभी जानकारी को देखने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। जैसा कि हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है टॉप 3 2024 SWP प्लान, टॉप 3 SWP प्लान के बारे में, जो कि हम साल 2024 के अंदर में बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। मैं आपको आज के वीडियो में तीन ऐसे फंड बताऊंगा जिसको जान करके आप कहेंगे कि वाकई में ये फंड हमें देखने को मिलते हैं। चलिए हम बात करते हैं नंबर 3 की, तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा फंड हमें देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पे जो हमारा फंड आता है उस फंड का नाम है ICICI पोटेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड। तो सिंपली उस फंड को मैं यहाँ पे लिख देता हूं ICICI पोटेंशियल डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड। ये हमारा फंड का नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। काफी बड़ा फंड का नाम हमें देखने को मिलता है। जैसे इस फंड का काफी बड़ा बड़ा नाम है, वैसे वैसे इस फंड का काफी बड़े बड़े कारनामे भी है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके टोटल स्टॉक्स के बारे में कि इस फंड में अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा किन किन जगहों पे जाएगा, यानी कि हमारा जो पैसा है उस पैसे को किन किन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो वो हम जानेंगे टोटल स्टॉक्स के अंदर। स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपका जो पैसा है वो 54 कंपनी के अंदर में आपका जो पैसा है वो यहाँ पे जाने वाला है। अगर आप इस डिविडेंड यील्ड फंड में अगर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो पैसा है वो 54 कंपनी के अंदर में चला जाएगा। चलिए हम इसके रिटर्न की भी बात कर लेते हैं कि इस फंड ने कितना कितना का रिटर्न जो है वो लोगों को बना करके दिया है। इसके हम ऑल ओवर रिटर्न्स की बात करने वाले हैं, ना हम 3 साल की बात करेंगे ना 5 साल की बात करेंगे, बल्कि हम ये बात करेंगे कि जब से ये फंड आया है तब से इस फंड ने लोगों को कितना का रिटर्न्स जो है वो बना करके दिया है। तो ऑल ओवर रिटर्न्स की अगर मैं इसकी बात करूं तो इस फंड ने जो है वो 17% का ऑल ओवर रिटर्न्स बना करके दिया है, जो कि SWP के अंदर काफी अच्छी बात हो सकती है। SWP के अगर आपको 15% का रिटर्न्स ऑल ओवर रिटर्न्स मिले, 3 साल 5 साल का नहीं बल्कि ऑल ओवर रिटर्न्स मिल जाता है तो काफी अच्छा उसे माना जाता है, लेकिन यहाँ पे तो आपको 17% का रिटर्न्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। चलिए हम इसकी लास्ट में बात कर लेते हैं कि इसका फंड साइज कितना बड़ा है, जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि कितना लोग इस फंड के अंदर विश्वास किए। मैं वीडियो बना रहा हूं लेकिन फंड साइज देखने से आपको विश्वास होगा कि कितना लोग यहां पे अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इसका जो फंड साइज जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है 2901 करोड़ रुपए का। 2901 करोड़ रुपए का यहाँ पे हमें जो है वो फंड साइज देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि काफी ज्यादा लोग विश्वास करके अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं। और जैसा कि SWP प्लान की बात है तो काफी और ज्यादा लोग जहाँ पे
रिटर्न्स देखते हैं वहां पे, तो वो लोग और कूद पड़ते हैं, और ये अच्छा भी है कि हमें ऑल ओवर रिटर्न्स ही देखना चाहिए एसडब्ल्यूबी प्लान में जाने के लिए। चलिए हम नंबर दो की बात करते हैं कि नंबर दो पे हमारा कौन सा एसडब्ल्यूबी प्लान आता है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मैं तीन अलग अलग तरह की बातें करने वाला हूँ, तीन अलग अलग फंड्स में यहाँ पे चुना हूँ। नंबर दो पे जो हमारा फंड आता है उस फंड का हमारा नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड। आप लोग इस फंड के बारे में जरूर जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो अभी आप जान लीजिए इस फंड के बारे में। इस फंड का नाम है, जो दूसरे नंबर पे हमारा आता है वो हमारा एक SBI का फंड होने वाला है, जिस फंड का नाम है SBI कॉन्ट्रा फंड। अगर इसकी अगर हम बात करें तो ये फंड जो है वो काफी अच्छा रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि SBI के टॉप 5 SWP प्लान, जाके आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसमें से नंबर 1 पे हमारा ये जो फंड है SBI का कॉन्ट्रा फंड वो हमें देखने को मिला है। चलिए बातें हम कम करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें टोटल स्टॉक्स जो है वो हमें कितना देखने को मिलता है, कि हमारा पैसा किन किन जगहों पे जाएगा। फिर हम इसके रिटर्न्स को देख लेंगे कि यहाँ पे हमें कितना का रिटर्न्स जो है वो हमें मिलेगा, और यहाँ पे भी हम ऑल ओवर रिटर्न्स की बात करने वाले हैं। फिर यहाँ पे हम इसके फंड साइज को देख लेंगे कि कितना बड़ा हमें फंड साइज जो है वो हमें देखने को मिलता है। फिर हम तीसरे फंड की बात करने वाले हैं। तो अगर हम टोटल स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 85 स्टॉक्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि 85 कंपनियों में आपका पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। रिटर्न्स की अगर हम बात कर लें ऑल ओवर रिटर्न्स की, तो ऑल ओवर रिटर्न्स जो इस फंड ने बना करके दिया है वो काफी ज्यादा रिटर्न्स बना करके दिया है, जो कि 20% रिटर्न्स है। हो सकता है आप सब उस वीडियो को देखें जिसमें मैंने SBI के टॉप 5 फंड्स को बताया है, उस वक्त ये आपको भले कम देखने को मिले लेकिन यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस वक्त ये वीडियो अपलोड हुआ है जिस दिन, उस दिन का एनालिसिस में करके मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए फंड साइज को मैं देख लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको 18,930 करोड़ रुपए का फंड साइज जो है वो देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ी बात है। 18,930 करोड़ रुपए, यानी कि इसकी हम बात करें तो इसका हमें 9 गुना ज्यादा हमें फंड साइज जो है वो हमें देखने को मिलती है। और मैं यहाँ पे एक प्लस पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी अपने SWP प्लान की शुरुआत करें तो आपको विड्रॉल तो वहां करने के लिए आप वहां से इन्वेस्टमेंट किए हैं, लेकिन आप कितना विड्रॉ करें ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा वहां से विड्रॉ कर दीजिए, ऐसा नहीं। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है ऑल ओवर रिटर्न, 17% का अगर आपको ऑल ओवर रिटर्न मिल रहा है, तो ऑल ओवर रिटर्न में से आपको कितना परसेंट का सालाना विड्रॉवल करना चाहिए, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आपको 75% से लेकर के आपको 80% तक का ही आपको सालाना विड्रॉवल करना चाहिए। यानी कि मैं बात करूं तो आपको 1 ईयर्स के अंदर में आपको इतना ही अपने पैसे को वहां से विड्रॉ करना चाहिए, इससे ज्यादा आप कोशिश कीजिए कि आप वहां से अपने पैसे को विड्रॉ ना करें। चलिए हम बात कर लेते हैं हम अपने नंबर 1 फंड की, जो कि तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन इस फंड के अंदर में वो नंबर 1 पे आने वाला है। तो उस फंड को हम यहाँ पे लिखते हैं कि नंबर 1 पे हमारा जो फंड आता है उस फंड की हम बात कर लेते हैं। उस फंड का नाम है HDFC मिडकैप अपॉर्चुनिटी फंड। तो सिंपली उस फंड को हम यहाँ पे लिखते हैं HDFC मिडकैप अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं कि कैसे ये नंबर 1 पे हमारे इस लिस्ट में आता है, जो कि सबसे ज्यादा अच्छा, काफी अच्छा हम इसको बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा ये फंड हमें देखने को मिलता है, और वो भी फंड साइज के मुकाबले में, यानी कि काफी लोग यहाँ पे विश्वास किए हैं। चलिए हम इसकी बात कर लेते हैं टोटल स्टॉक्स के, कि यहाँ पे हमें कितने कंपनियों के स्टॉक्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसके हम रिटर्न्स की बात कर लेंगे कि कितना का रिटर्न्स हमें यहाँ से ऑल ओवर रिटर्न्स बना करके हमें मिला है, और हम आशा कर सकते हैं कि इतना हमें मिलेगा। फिर लास्ट में हम इसकी फंड साइज की बात करेंगे कि कितना बड़ा हमें यहाँ पे फंड साइज जो है वो हमें देखने को मिलता है। टोटल स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो पैसा जाएगा वो 68 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यानी कि 68 कंपनी में आपका पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट होगा, और 68 कंपनी है इस फंड के अंदर। ऑल ओवर रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इस फंड ने जो ऑल ओवर रिटर्न्स बना करके दिए हैं वो है यहाँ पे 19% का रिटर्न्स, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको 20% का रिटर्न्स देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे आपको फंड साइज कम है, काफी कम लोग इसके मुकाबले में, हम कह सकते हैं इसके मुकाबले में काफी ज्यादा है, लेकिन जो है वो आपके सामने है। यहाँ पे आपको 19% का रिटर्न्स जो है वो ऑल ओवर रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है। फंड साइज की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो फंड साइज जो देखने को मिलता है वो काफी बड़ा देखने को मिलता है, वो आपको देखने को मिलता है 52,137 करोड़ रुपए का।
52,137 करोड़ रुपए का यहाँ पे आपको जो है वो फंड साइज देखने को मिलता है, जो कि काफी बड़ी बात होती है। चलिए यहाँ पे मैंने आपको तीन फंड्स मैं आपको सजेशन कर दिया हूँ, जो कि नंबर थ्री पे हमारा आईसीआईसी का आता है, फिर एसबीआई का, फिर एचडीएफसी का। बाकी मैं आपको इसी वीडियो में कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा, लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले हमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, जिस वजह से मैं आपको उस चीज को मैं समझा सकता हूँ। चलिए इधर का हम रफ कर लेते हैं नंबर थ्री की, क्योंकि काफी देर से आप इस फंड को देखते आ रहे हैं, उधर का दो जो है उस चीज को हम रहने देते हैं। चलिए दोनों इधर का रफ कर देते हैं। दोनों को रफ करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कैलकुलेशन करके कि कैसे आप वहां से कितने पैसे को विथड्रॉ कर सकते हैं और कितना पैसा आपको लास्ट में फाइनल वैल्यू देखने को मिलेगा, टोटल आपका विथड्रॉवल कितना रहने वाला है और कितने दिनों तक आप ये जो है इस चीज को आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो देखते हैं हमारा क्या चीज हमें सामने देखने को मिलता है। कैलकुलेशन की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट अमाउंट का, कि हम कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि कोई यहाँ पे 5 लाख भी इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई 10 लाख भी करेगा, कोई 20 लाख, कोई 1 करोड़ भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे हम 20 का लेके चलेंगे, ना ज्यादा कम ना बहुत ज्यादा हम लेके चलेंगे। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो कि अपने 15 लाख रुपए को एक बार में वन टाइम इन्वेस्टमेंट करता है, वन टाइम लमसम करता है। अब हम इसके ऊपर पूरा कैलकुलेशन को करने वाले हैं। सबसे पहले हम रिटर्न्स को फिक्स करेंगे। रिटर्न्स यहाँ भी हमें फिक्स करना जरूरी है, ये तो रिटर्न्स में मिलेंगे, लेकिन यहाँ भी हम रिटर्न्स को फिक्स करेंगे। रिटर्न्स फिक्स करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे ड्यूरेशन को, कि ड्यूरेशन हम कितना लेकर के चलेंगे, कि कितने दिनों तक हम यहाँ से पैसे को विथड्रॉ कर सकते हैं, कब तक हम प्लानिंग कर सकते हैं, एक टारगेट हम लेकर के चलेंगे। फिर हम देखेंगे कि यहाँ से हम मंथली जो है वो कितना विथड्रॉवल कर सकते हैं, विथड्रॉवल जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कि हमें विथड्रॉवल तो करना ही है भैया, हर हाल में करेंगे। लेकिन आपको मैं एक मजे की बात बताऊं कि यहाँ पे हम विथड्रॉवल करके बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। अगर आप विथड्रॉवल ना करके उतने ही पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट रहने देते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अमाउंट वहां से बन के मिलेगा, लेकिन आप विथड्रॉवल करते जाते हैं तो आपका जो अमाउंट है वो धीरे धीरे आपके पास आते जाता है, जो कि काफी कम रिटर्न हम कह सकते हैं कि आपको देखने को मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पे टोटल विथड्रॉवल की, कि आपको टोटल जो है वो विथड्रॉवल कितना यहाँ से देखने को मिलेगा, आप जब तक विथड्रॉवल करेंगे तब तक कितना आपका विथड्रॉवल होगा, फिर लास्ट में हम इसके देख लेंगे कि यहाँ पे हमें फाइनल वैल्यू क्या देखने को मिलेगा। आप विथड्रॉवल करेंगे फिर भी आपको यहाँ से फाइनल वैल्यू जो है वो देखने को मिलेगा, फिर लास्ट में हम देख लेंगे टोटल हमारा विथड्रॉवल जो रहने वाला है, विथड्रॉवल प्लस हमारा फाइनल वैल्यू क्या हमें देखने को मिलेगा। चलिए रिटर्न्स की हम बात करते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे हमने तो कोई 3 साल का 5 साल का रिटर्न्स तो लिया नहीं है, जिसमें हम कम बेस करेंगे, हमने एक ऑल ओवर रिटर्न्स लिया है। जैसा कि इसका रिटर्न्स में 19% का देखने को मिला है, एसबीआई का जो कॉन्ट्रा फंड था उसका 20% का देखने को मिला है। चलिए हम 20% लेके चलते हैं, थोड़ा अच्छा आपको यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगा तभी तो आप तैयार हो गए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन आप इतना समझ के चले कि आप 15% ही लेके चलिएगा। मैं कैलकुलेशन के लिए मैं आपको 20% लेकर के चल रहा हूँ। चलिए हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम 15 साल ड्यूरेशन को रखने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप 15 साल तक ही एसडब्ल्यू प्लान को चला सकते हैं, ऐसा नहीं, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए चला सकते हैं, जिंदगी भर भी आप चलाइए, आपके बच्चे चलाए, जो भी चलाते जाए, लेकिन उसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए यहाँ मैं आपके लिए 15 साल लेकर के चलाऊंगे, 15 साल तक हम इस एसडब्ल्यू प्लान को चलाएंगे। चलिए हम बात कर लेते हैं मंथली विथड्रॉवल की, कि हम 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके कितना विथड्रॉवल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको 20% रिटर्न मिल रहा है तो आप यहाँ से 20,000 रुपए जो है वो विथड्रॉवल कर सकते हैं, जो कि आपका मंथली विथड्रॉवल होगा। साल की अगर हम बात करें तो आपका बन जाता है 2,40,000 रुपए आपका बन जाता है, जो आप साल में विथड्रॉवल करेंगे। टोटल विथड्रॉवल की अगर हम बात करें कि 15 साल के अंदर आप कितना पैसा विथड्रॉवल कर लेंगे, तो आप यहां से 36 लाख रुपए यहां से आप विथड्रॉवल कर लेंगे। फिर हम देख लेते हैं फाइनल वैल्यू की, आप 36 लाख विथड्रॉवल करने के बाद भी आपको यहाँ पे फाइनल वैल्यू जो है वो देखने को मिलेगा। तो फाइनल वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 42,89,000 रुपए यहाँ पे आपको फाइनल वैल्यू ही देखने को मिलेगा। सोचिए आप 15 लाख रुपए ही इन्वेस्टमेंट किए हैं, आप 36 लाख निकाल भी लिए हैं और 42 लाख जो है वो आप जब इस फंड को एग्जिट करेंगे, जब इस फंड से आप मेच्योरिटी को लेंगे 15 सालों के बाद, तो आपको इतना का रिटर्न्स
वहां से इतना पैसा आपको फाइनल वैल्यू के तौर पे मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं विड्रॉवल और फाइनल वैल्यू की, टोटल हमारा क्या बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल की, तो यहाँ पे 78,89,000 रुपए आप यहाँ से टोटल जो है वो विड्रॉ करेंगे, यानी कि टोटल आपका जो रिटर्न्स बनता है वो यहाँ पे तकरीबन कह सकते हैं 80 लाख के आसपास, क्योंकि रिटर्न ज्यादा भी जा सकता है लेकिन आप ज्यादा मत जाइएगा। आप जब भी कैलकुलेशन कीजिए तो 15% का ही कैलकुलेशन कीजिए, फ्यूचर में 15% ही एक्सपेक्ट कीजिए, और जो आप विड्रॉवल करेंगे वो आप जो विड्रॉवल करेंगे वो 10% से लेकर के आपका जो विड्रॉवल होना चाहिए वो 13% का होना चाहिए। 15% एक्सपेक्ट करना है और 10 से 13% ही आपको वहां से विड्रॉवल करना है। बाकी मैं एक एग्जाम्पल समझाने के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में, जिस वजह से मैं 20% लेकर के चला हूं, और ऐसा नहीं है कि इतना हमें नहीं मिल रहा है, ऑल ओवर रिटर्न्स हमें SBI ने इतना का बना करके दिया है। तो आपके सामने मैंने 3 ऐसे फंड्स भी बताए हैं जिसमें आप अपने पैसे की SWP शुरू कर सकते हैं, और लास्ट में आपको कैलकुलेशन भी करके बताया होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। दोस्तों मैं यहां पे एक डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा कि ये वीडियोस कुछ सजेशनल वीडियोस नहीं है कि आप इसी फंड में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें, बल्कि ये एक एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियोस बनाई गई है ताकि आपको एक आइडिया लग सके, आपको एक नॉलेज मिल सके। बाकी जब भी आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें तो आपके जो फाइनेंस के कोच जिनसे आप सलाह ले करके अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं उनसे एक बार जरूर सलाह ले ले, तब जाकर के आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारे वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।